स्टूडेंट्स नो वी आर गोइंग टू डिस्कस प्लानिंग विद डिसिटीज प्लानिंग फॉर वर्कर्स विद डिसिटीज इन केस ऑफ एनी डिसबिलिटी हाउ यू विल हैंडल सिचुएशन पहला क्वेश्चन नंबर टू अगर इसमें देखा जाए तो ये आर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ के अंदर टॉपिक आता है तीसरा पॉइंट ऑर्गेनाइजेश्स के अंदर जितने भी की परसोनल्स हैं वो सारे इन कोडिनेशन इन कॉन्ट्रैक्ट इन लाइन होने चाहिए इसका फायदा ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंटिंग शेल्टर इन प्लेस प्लान्स होना चाहिए अवेल्यूटिंग पर्सनल नीड्स होनी चाहिए डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द प्लान होना चाहिए अब इन चारों चीज़ों को वन बाई वन हम देख लेते हैं वो तमाम लोग जो किसी किस्म की प्रॉब्लम के पैदा होने की सूरत में इन्वॉल्व हैं उन चीज़ों को हैंडल करने के लिए वो सारे इन लाइन होने चाहिए पहला तो ये पॉइंट है अब हर ऑर्गेनाइजेशन की डिपार्टमेंट के अंदर मुख्तलिफ नीड्स हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ज़्यादा इंजरी होने के चांसेस हैं एज़ कंपेयर टू मार्केटिंग फाइनेंस, एच डिपार्टमेंट तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में उसकी नीड के मुताबिक वहाँ पर सारा प्लान और वहाँ पर लोग अवेलेबल होने चाहिए और लास्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड कम्युनिकेटिंग योर प्लान अब वो जो प्लान आपने बनाया है सिर्फ उसको पेपर की हद हाँ तक ना रखें उस डिपार्टमेंट के उस आर्गनाइजेशन के जितने भी इंप्लाईज़ हैं वो प्लान उनके साथ कम्यूनिकेट करें ताकि इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी सिचुएशन वो सारे लोग उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्म कर सकें अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि प्लानिंग फॉर वर्कर्स विद डिसबलिटीज़ में हम लोग ये देखते हैं बैलेंसिंग एम्प्लायर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एम्प्लॉज राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन अगर कोई अनसर्टन सिचुएशन पैदा हो गई है फ़र्ज करें वहाँ पर

तो इससे ऑर्गेनाइजेशन की रिप्यूट भी मुतासर होगी और उसके अलावा एट द एंड उसके कॉन्सिक्वेंसिस सारे एम्प्लॉयज को फेस करने पड़ेंगे डिवेलपिंग एमरजेंसी नोटिफिकेशन स्ट्रेटजीज अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर किसी किस्म की एमरजेंसी पैदा हो जाती है तो उसमें जितनी ड्राफ्टिंग लीगल लिटिगेशन कानूनी राय नोटिफिकेशन तमाम चीज़ें जो एम्प्लॉयज़ के लिए बेहतर हैं उन सब का ख्याल एम्प्लॉयज़ की रखना ड्यूटी है और लास्ट पॉइंट में प्रैक्टिसिंग एंड ऑल दी स्टैंडर्ड्स मेंट विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन इसका ये मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं उनको प्रोफेशनली ऑपरेट किया जाए डील किया जाए इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि ऑर्गेनाइजेशन में इस किस्म की प्रॉब्लम्स पैदा ना हो अगर हो जाए तो उनकी डिसेबिलिटीज को कैसे मैनेज करना है इन सब चीज़ों के सोल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल में मौजूद होने चाहिए